समझ गई मैया राजा नहीं मानेगा तो एक काम करो। बताओ महारानी। अरे आंखें ना से बांधो काली पाटी, अरे आंखें ना से बांधो काली पाटी, राजा काठ खड़ाऊ ले ओ पैर, राजा काठ खड़ाऊ ले पैर, शुक्र शनि जर तो पे चूर ना करे गो, शुक्र शनि जर तो पे ला करेंगे, और तो से कहते पे आता तेरी नारी। राजन हाँ, आंखों पर काली पट्टी बांध लो, पैरों में काठ की खड़ाऊ पहन लो। महाराज हाँ, आपके बाग घूमने के लिए जाऊंगा तो हमें ये शर्तें माननी होगी। ठीक है ठीक है महारानी, जैसे आप कहते हैं वैसे कर दूं। राजा ने वही किया, घोड़ी पे सवार होके आ गया राजा, पीछे मैया ताके पीछे रैयत, चल देती है उधर शुक्र और शनिचर दोनों उतर आते हैं, एक घोड़ी के दाएं और एक बाएं। कहने लगा शनिदेव को राजन, पागल तो मैंने बहुत से देखे मगर तेरे जैसा पागल कोई नहीं देखा। भैया हाँ, हम क्यों पागल हैं बताओ। बताऊं? हाँ, तेरे रिश्तेदार बुहारी पैदल जा रहे, तू स्टटुआ पे चढ़ा जाता तुझे शर्म नहीं आ रही है? भैया बात तो आपकी सही है, हमारे रिश्तेदार मान भजय पैदल जा रहे हैं। हाँ, हम ये घोड़ी पे चले ले भैया, हम नीचे आ जाते हैं। नीचे होगा, एक कंधे पे सवारी हो गई, थोड़े चले तो शनिदेव की बारी, शुक्र देवता। कहने लगे राजन महापागल, एक पागल होता है और एक महापागल, तो महापागलों में गिनती आज आपकी हो गई। भैया हाँ, अब बताइए हम महापागल क्यों हैं? ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, कहाँ जा रहे हो? बाघ घूमने के लिए। बाघ घूमने जा रहे हैं, बाघ देखने के लिए जा रहे हैं महाराज। मालोला सरकारी प्रजा होली खेल है। भैया आपका मतलब क्या, कहने का समझा नहीं। कोई वृक्ष को तोड़ता है, कोई फल फेंकता है तोड़ के, कोई डाली फाड़ देता है, और तुम बाघ घूमन जा रहे हो, आंखें में ढक्कन लगाए कागज दिखाई रहे हो तुम्हें। भैया दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, वास्तव में मैं पागल हैं। ले भैया आप कहते तो मैं आंखों की पट्टी को खोल देता हूँ। हाँ, खोली तो देव। खोल दिया ले। जैसे पट्टी खोलते जौहर हो गया। अरे जालंग बालंग राजा पापी, तू बागों में नहीं आता तो आज तेरा नाम अमर हो जाता। मेरे प्यारे सज्जनों, रैया त्राव त्राव करके अपने महलों को चली जाती। राजा जयवर सिंह कहने लगे अपनी रानी बाछिन से, महारानी हमें महलों में नहीं जाएंगे। महाराज
योगी बन के वन के लिए चले जाएंगे महाराज। हाँ आप महलों में चलिए, अगर आप भजन करेंगे तो महलों में करिए महाराज। आप वन को चले जाएंगे तो ये राजपाट कौन देखेगा। अरे मेरो साडू तेरो बहन रोई पाए सब दे साडू है तेरा पहलोई है। हाँ हाँ। उसको सौंप देंगे यानी रूपचंद को। हाँ भैया महाराज। हाँ क्या वो ये राज ले लेगा। अरे आई दौलत कौन मना करता है। चलो महाराज पूछते हैं। शनिदेव कहने लगे भैया इसकी गद्दी हरी हो जा रही, चलो चलो भैया। जाकर के साडू की खोपड़ी में बैठ गए। शुक्र और शनिचर राजा जयवर सिंह अपने राज्य के सौंपने के लिए घोड़ी पे जा रहे हो। अटारी से देख लिया राजा ने, उसी समय आवाज को लगाने लगे क्या। अरे मेरे महल मत आइए मेरे साडू सुनो भैया मेरे बोल। अरे मेरे महल मत आइए मेरे साडू तेरी आखन पे सनीचर बसा हुआ है और तरतरिया बांध रह गई। तूने जो बाग लगवाया है सुकर नष्ट हो गया है, इसलिए लौट जा पापी। मैं तक भी नहीं पहुंचे वापस लौट गए। वापस लौट करके चले आते हैं महलों में आए, दो पैसे का गेरू ले लिया, राजश्री वस्त्रों को उतार के रख दिया, गेरुआ वस्त्रों को रंग लिया, योगी का वेश बना लिया। मैया वाचल समझ गई राजा नहीं मानेगा, नगर में बुलावा दे दिया राजा जयवर सिंह को। हंसी खुशी के साथ बड़े प्रेम से नगरवासी विदा कर देते। कैसे गुरुदेव। अरे मेलन से राजा चले का।
घोर वन में जाकर के तपस्या करने लगे। किशन बाबू महाराज गड्ड पर तो कह देने के डांस हो जा तो जब अबे नहीं है? अबे नहीं लास्ट। अच्छा भगवान का भजन करने लगे महारानी बाछली को महलों में दिल नहीं लगा। अपना राजश्री वस्त्रों को उतार दिया, योगी का भेष बना करके राजपाट का मालिक अपनी बहन को दे दी। अरे जाई गैल राजा गए जिस वन में महाराज तपस्या करते थे उसी वन में महारानी बाछली पहुंच जाती है। शाम का वक्त हुआ और जब राजा के नेत्र खुले मैया भी भजन में लग जाती है। देखा कहने लगे जौन भावई के मारे घर छोड़ के आए, अब भावई खाओ खपड़ी बात कूद पड़ी मेरी पे। क्या कहते हो महाराज? हाँ मैंने तुमको मना किया था फिर भी तुमने मेरा पीछा किया। महाराज हाँ आप महलों से आ गए, हमारा अकेले महलों में जी नहीं लगा मन नहीं लगा महाराज, इसलिए आपके पीछा करते करते आपके पास तक आ गए। महाराज आप भी भजन करो हम भी भजन करेंगे। ठीक है महारानी आप सो जाइए शाम का वक्त हुआ है। महाराज हाँ आप तपस्या से अभी जागे हैं, आप सो जाए महाराज हम पहरा लगाते रहेंगे। क्या इस वन में हमारी बदनामी करने आई हो? महाराज हाँ इस वन में आपकी कौन बदनामी करेगा? ये वन के जानवर पक्षी देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे महाराज? नरसोरा मादा पहरे को लगा रही महाराज, इसलिए आप सो जाइए। हमें सुलाते हो महाराज? हाँ तो हमारे सोने के लिए महाराज आपको तीन वचन मानने होंगे। भला बताइए। सुनो अरे पटका के दोनों छोके हाथ में गबाए दे, पटका के छोक राजा हाथ में गबाए दे, पटका के छोक राजा हाथ में गबाए दे, पटका के छोक राजा हाथ में गबाए दे, हाथ
हाँ अपने जो गले में पीताम्बर डाले हो हाँ हाँ इसके दोनों छोक हमारी मुट्ठी में दबा दो। यानी तुम्हारी मुट्ठी में पकड़ा दूं? जी महाराज। चले तो मंजूर है। और अपने ये सीधे हाथ का अंगूठा मेरे मुख में दबा दो। काटवे के लाए? नहीं महाराज। फिर जब आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो अंगूठा को निकालेंगे महाराज, मैं जाग जाऊंगी। चलो ये भी मंजूर है महाराज। तुम्हारी जो भुजा है हाँ इसके हमारे तकिया लगा दो, हम सो जाएंगे महाराज। यानी तुम्हारी खपड़िया नीचे दबाए दे। जी महाराज। चलो जो मंजूर है। ठीक है महाराज, मैं सो जाएंगी। राजा ने तीनों काम कर दिए। हारी थकी सपर की मारी को क्या की सताई मैया नींद छमा छम आई। दुखिया उस पन में सो जाती है। जब भयानक सोने लगी तो राजा ने विचार किया अब तो ये सो गई, लेकिन जाने तीन जगह बांध लिया है, कैसे फुर्सत हूं। याद आ गई योगी बन के महलों से चले तो मैंने अपनी गूदरी में एक छुरी घुसला रखा था, पैरों से खींच लेते हैं गूदड़ी को फाड़ देते हैं, चाकू निकाल लेते हैं, दोनों छोक पटुका के काट दिए, भजाओ तो फुर्सत हो गए। अंगूठा दबा बेटी को सरकाने लगे, अंगूठा खींचने लगे, बेटी लगा देते हैं और राजा अंगूठा को बाहर कर लेते हैं। भजा का सिराना बना हुआ है, पैर से डेला को खींच लिया, डेला के सारे भजा को खींचने लगे और डेला को लगाने लगे, डेला को लगा दिया, तीनों जगह से फुर्सत हो जाती। सोचने लगे ये मैया तो पीछा फिर करेगी, चलो दूर चलेंगे। राजा जेवर सिंह दंडक बन के लिए तपस्या के लिए चले जाते, महारानी बाछल को सोते छोड़ जाते। राजा जेवर राज बनी को चले गए, राजा जेवर राज बनी को चल दिए, बाछल मैया आज बनी में छोड़ गए, राजा जेवर आज बनी को चले गए। जब नंद्रा तो फुर्सत हो जाती है, नेत्र खोले, लला कृष्ण कुमार गुरुदेव सोबत से मैया जगी, चौद से रही निहार, चारा तरफ निहारती, पिया नजर मैया ए पिया कैसी भई, आज गजब की चोट मैं दुखिया दुख की भरी, सुन ले कौन की ओट मैं ओट किसकी लेंगी, सारी उम्र दुख पाऊंगी, सोऊंगी सजिया कौन संग, जीवन में हम दुख पाऊंगी। मैया की आवाज को सुन रहे गोरखनाथ, कजरीपन में तप रहे बाबा गोरखनाथ। मैया की आवाज रोने की, कजरीपन में बाबा गोरखनाथ अपने धोना को चेता रहे थे, कानों में भनक पड़ी, कहने लगे बेटा गुरुनाथ। कहिए गुरुदेव। अरे जा बन खड़े कोई मैया रोवे, पाको धीर बनी हो रे, अरे जा बन खड़े कोई मैया रोवे, पाको धीर बंधियो रे, जगत बनी में कोई दुखिया रोए रही,
लाला गुरुनाथ कहिए गुरुदेव। जाओ बेटा इस वन में कोई दुखिया रो रही है। गुरुजी हाँ जब वन में चले जाएं। हाँ बेटा सुनो गुरुदेव जा करके। गुरुदेव हाँ आधी रात का समय है इस वन में मैया कहाँ से आई गुरुदेव? कोई चुड़ैली या डंकनी संकनी रोती चिल्लाती होगी गुरुदेव? लला तुम्हें चुड़ैले या दम दिखाती रात। अब गुरुदेव आधी रात में मैया कहाँ से आ गई? बेटा वो दुखियारी है कोकी सताई हुई है सबर की मारी हुई है। गुरुदेव हाँ आप कहते वन में चले जा लेके महाराज सुनो। हाँ बोलो। अरे बिकट बनिया में मोए डर लागे हमें इकले नहीं जावे गुरुदेव। हाँ बेटा जब बनी में महाराज वो डर लगा तो अकेले तुम कब होना जाए गुरु जी? डर लगता है हाँ तो बेटा एक काम करो। बताओ तुम यही रुको मैं जाते। गुरु जी हम यूं नहीं रुके हैं। क्या हो अगर आप इधर चले गए? हाँ चुड़ैली आते आते आएगी तो हमें खा लिए गुरुदेव। कहने का मतलब संग चले? हाँ गुरुदेव। ठीक है बेटा चलो। गुरु जी हाँ संगे हम तो चले हमें एक शर्त है। बताओ। आप चले हो आगे आगे पीछे चले हम? यानी आगे आगे चले हम और पीछे चले हम। ठीक अगर चुड़ैलिया भूखी भाई हाँ तो झपट्टा पहले आप खाए बेग दौरे गुरु जी हम तो घर भजे आए हैं। हाँ तो श्यार यानी खाए बेग ले बढ़िया चीज आएगी तो पहले खाई और तुम बाद में चेला खाई। गुरु जी काम पहले करते हैं हम। चलो ठीक है बेटा। ठीक है गुरुदेव चलो। अरे तबुआत खारे गुरु ने जे कर गए बाबा गोरखनाथ अपने 1400 चेलाओं को लेकर के जाके उसी वन में पहुंच जाते हैं। कहने लगे बेटा गोरखनाथ कहिए गुरुदेव तो सामने मैया रो रही जो पाल पखेरे हैं। हाँ हाँ
चले जाओ गुरुजी। हाँ हम जा तो रहे लेकिन अपनी नजर मेरे ऊपर रखना गुरुजी। हाँ बेटा जाओ। अगर हमें झपट्टा मारा गुरुजी फौरन बचा लियो। हाँ बेटा जरूर बचा लेंगे। ठीक है गुरुदेव हम जाते। पास में जाकर पहुंचे, कहने लगे मैया तू इस वन में रात्रि के 12 बजे क्यों रो रही है। बाछिर समझ गया वन का दानी है, इसी ने मेरे पति रात को भक्षण कर लिए हैं, चलो मैं भी इसके साथ मर जा तो मेरा कल्याण यानी तारा तरण हो जाएगा। कौरिया भल लेती अमरनाथ की, कान लगी अब कहा देखो तो हमको भी डस ले। टटुआ मस्कने लगी, इल्लाने लगे बाबा बचाइयो बाबा बचाइयो, तुम तो कहते मैया है, ये मैया ये कोई नहीं, ये तो बन की डायन है। कहने लगे अरे मैया मेरे चेला को छोड़ दो। बाछिर कहने लगी चेला नहीं ये बन का दानी, मैया मेरे चेला को छोड़ दे, चेला है दानी नहीं है वो। और जोड़ के मुस्कान लगी, अरे बाबा बचाइयो अरे बाबा बचाइयो, तो कहने लगे अरे पुत्र मंदी मैया मेरे चेला को छोड़ दो। छोड़ दिया, दोबारा जेट भरी फिर टटुआ मसको बाबा बचाइयो, अरे पुत्र मंती मैया मेरे चेला को छोड़ दो। दोबारा जेट भरी फिर लाने के बाबा बचाइयो, अरे पुत्र मंती मैया मेरे चेला को छोड़ दो। छोड़ दिया। आगर कहने लगे गुरुदेव। काहे बेटा का बात का चिल्ला रहे, ये क्या कर दिया तुमने, क्या हो गया तुमने कुछ देखा? हमने लला तुम्हारे अलावा कुछ नहीं देखो, हमने तो तुम्हें ही देखो। सुनो बताओ बाबा तुमने मस्तक पे देखा ना बाबा, तुमने मस्तक पे देखा ना भाला, बाबा तुमने मस्तक पे देखा ना भाला, बाबा तुमने मस्तक पे देखा ना भाला, बाबा ये तो 7 जन्म के लिए बांझ है आप पुत्रमंती बना रहे हो बेटा। हाँ 7 जन्म के लिए हो या 8 जन्म के लिए। हाँ और बचन पर जा चाहे फीका, मोर बचन पत्थर की लीखा। बहुत सुंदर। मैया वाचन कहने लगी बाबा मैं तो कलंकित हो जाऊंगी। वो कैसे मैया? मेरे पति तो किसी जानवर ने भचन कर लिया, पुत्रमंती बना रहे हो हमको मैया। हाँ तेरे पति किसी जानवर ने भक्षण नहीं किए, फल वो दंडक वन में तपस्या कर रहे हैं। माँ विश्वास नहीं बाबा, देखना चाहती हो? बिल्कुल आंखों से देखेंगे। ठीक है अपनी आंखों को बंद करो मैं दिखा दूंगा। बाबा गोरखनाथ अपनी योग माया से राजा जेवर सिंह को उठवा लेते हैं दंडक वन से। ये मैया देख यही तो है। हाँ है तो यही, लेकिन बोलते क्यों नहीं महाराज? ये बोलेंगे ना, इनकी डोर भगवान से लगी, भक्ति में लीन है। ठीक है महाराज नहीं बोलते तो उन्हें वहीं भेज दो जहां से आपने लाए हो। उसी वन में पठवा दिया और कहने लगे मैया अब तू महलों को जा। महाराज हाँ मुझे तो ये भी नहीं पता मैं किस रास्ते से आई हूँ किस रास्ते से जाऊंगी, मुझे महल भी नहीं पता कहाँ है महाराज। बाछिल कहने लगी बाबा जो तुमने वचन दिया ये मेरे वचन का पूरा होगा पुत्रमंती का। मैया हाँ जो तेरे बाग लगे हैं तुमने जो लगवाए थे वे सूख गए हैं। हाँ हाँ वो हरे हो जाए। हाँ और तेरे कुआ बावरी के पानी खारे करुए हो गए। हाँ वो मीठे हो जाए उसी दिन तू पुत्रमंती का फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है महाराज। मैं यह समझ गई करामाती साधु है, इसे कैसे मालूम है कि हमारे बाग सूखे हैं बाबा। हाँ मैं तो ये भी नहीं जानते मेरे महल कहाँ है, रास्ता भी नहीं जानती। नहीं मुझे यही पता नहीं हम कहाँ से आए कहाँ जाऊँ कहाँ मेरे महल है। मैया हाँ तू अपने नेत्रों को बंद कर ले, तू जहाँ से आए मैं वहीं पहुँचा दूंगा माँ। बाछल मैया अपने नेत्रों को बंद करती, बाबा गोरखनाथ अपनी योग शक्ति से महारानी बाछल को शहर दले में पठवा देते हैं। जब नेत्र खुले मैया बाछल के देखने लगी चारों तरफ, कहने लगी अरे ये तो कोई भगवान था।
अभी तो मैं बहुत पहले एक जंगल में थे, घोर वन में, और ये तो महलों में खड़े हैं। उसी समय में यह आवाज चल रहा है, शहर दलेले में कर्फ्यू लगवा दिया, पुल बनवाए दो, पुल ना एक कर्फ्यू ऑर्डर लगवा दिया। कैसे? अगर कोई भी भाट भिखारी आएगा, हाँ, पहले हमारी डोरी से बच्चा पाएगा। हाँ। पहले किसी ने दे दिया तो 500 रुपया जुर्माना और 6 महीना की सजा। बेटा अवगणनाथ, कहिए गुरुदेव, भूख लगी बहुत जोर की, आदेश करो गुरुजी का करे। 14 से चेला बन में चले जाओ, कंडा लकड़ियां बीन ले आओ। ठीक है गुरुदेव। भाटा भोरियां बनाएंगे, खाएंगे, तब कहीं के लिए रवाना होंगे। ठीक है गुरुदेव, आप बैठो, हम जाते हैं। बाबा अवगणनाथ अपने 1400 चेलों को वन में ले गया, अपने अपने गट्ठर बांध के रख लिए। इधर यात्री लोग जा रहे थे हतनापुर की तरफ, जहाँ सहमति पर्व था। अगर ने अगाई को घेर के खड़े हो गए, कान लगे, भैया। हाँ भैया। कहाँ जा रहे हो? कहूँ भागवत तो हो रही का। भैया मैं हस्तनापुर जा रहे। का भागवत की पूरी खाए के लिए? ना भैया, पूरी खान जा रहे। तो क्या मालपुआ चल रहे होंगे? ता ना मालपुआ चल रहे। तो खीर पुआ सब्जी चल रही होगी? भैया जब बाबन को खाए मिलेगी कितनी पत्ते भैया, ना तो पूरी सब्जी मालपुआ कुछ नहीं चल रहा। तो कहाँ जा रहे तुम लोग? भैया हम सोमवती पर्व पड़ा हस्तनापुर में गंगा जी पे, मैं वही स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, गंगा नहाने को जा रहे? हाँ। तो जाओ। भैया आप नहीं जा रहे? अरे नहीं, हम लोग नहीं जाते। ठीक है भैया, आपकी इच्छा, जाओ या ना जाओ, हम तो जा रहे। जाओ जाओ। ठीक। अगड़िया ने सारे लक्कड़ फकवा दिए, 1400 गट्ठर अपने गुरु के पास लेकर के आ गया। गुरुदेव कहे, बेटा का बात, आज भट्टा भौरिया नहीं बनेंगे। कालला टेढ़े टेढ़े कैसे बोल रहे? टेढ़े टेढ़े नहीं करते बोल रहे। हाँ। आज व्रत हो या व्रत? कला व्रत काय को कैसे हो तू? पहले हमें जब बताओ। हाँ। तुम कहाँ के तीर्थ करे, कहाँ के बकाया है? लला। हाँ। हमने अपनी सुत में तो सारे भूमंडल के तीर्थ कर लिए। सारी भूमंडल के? हाँ। राजा हो चोरी करे फिर न्याय कौन तैयार? का मतलब? का मतलब सारे भूमंडल के हम मेरे गुंज कह रहा हूँ तुम्हारा। हाँ। क्या तुम झूठी बोल रहे हो लल्ला? हाँ। तुम्हारा सगुन सही कह रहे हो बेटा, हमने एक तीर्थ जानबूझ के नहीं किया। कहाँ को? हस्तनापुर का। काय? हस्तनापुर में मैया कुंती के 5 पंडा हैं। चिट्टा के बारे में हस्तनापुर लगू? हाँ। और भूमंडल की बात कर रहे हो? जी बेटा। हाँ। तो उसमें जैसे में बलधारी भीमसेन, तो उसके दंड के मारे हम बेटा नहीं गए। काय बाबू का डर? अगर किसी साधु महात्मा को देख ले तो। हाँ। तो का डाली उखाल ले, का जटा उखाल ले, का खुजी फाद दे, का हाथ पान टोट दे। हाथ अंते एकदम अच्छे रहे गुरुदेव। बाकी डरने के मारे लला हम नहीं गए। अरे बढ़िया रहे, चलो अब यहाँ भट्टा भौरिया नहीं बनेंगे। तो कहाँ बने हो? अब चलो भ्रमण करेंगे। चलो गुरुदेव। लग गए ऊटन पे भार, 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 हो गए बांगर को तैयार, हो गए बांगर को तैयार। भैया। हाँ। कैसे जा रहे हैं? कैसे? बनखर से गोरख चले ददरे वासी तलागार का गोरख जाता।
हरियाणा में जाकर के बाबा गोरखनाथ को शाम हो जाती है, डेरा डाल दिए, तंबू खड़े कर दिए, कहने लगे बेटा अवगढ़नाथ कहिए गुरुदेव इस गांव भवानी में चले जाओ। हाँ। और आज दूध की भच्चा करके लाओ खीर बनाएंगे गुरु जी। हाँ आज आपको खीर पे मन हुए। हाँ बेटा बुढ़ापे की अब दिशा है तो मन जाए तई पे, यानी हल्का भोजन। हाँ ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो हम गांव भिमानी में जाके दूध की भच्चा लाऊंगा गुरुदेव। और लाला सुनो। बताओ। भच्चा तो लाओगे। हाँ सुनो। अरे राणा पांजा की अभी का मत लियो, पानी की भीख मत लियो, सुनियो गला मेरे बोल रे, गुरुदेव। हाँ आपने बताया है राण बाजे की भीख मत ले आइयो। हाँ धुआं चोटी की भीख मत ले आइयो। हाँ चूली फूकने की भीख मत ले आइयो। हाँ और भैसर मल लो घर गल लो। गुरु जी हाँ ये सब हम पहचाने कैसे, ये राण है ये बांझ है ये चूली फूकनी है। राण बांझ हो ये। हाँ एकदम सपा यानी एकदम भक्त कपड़े मिलेंगे यानी साफ सुथरी। हाँ और जो मैया बच्चन वाली होगी मैली के चोली काए। हाँ हाँ। अगर बालक आया लिसो पुतो मैया की गोदी में गिर गया तो दूध पीने लगा। हाँ हाँ। तो मैया गंदी हो जाएगी। ठीक है गुरुजी मैं पहचान लूंगा। और बेटा चूली फूकनी जानते हो कैसे गुरुदेव? चूली तो सबई फूकती। हाँ उसका मतलब है क्या? चूली फूकारी थूको फूकारी थूको का थूको फूको। हाँ यानी फूक के साथ में थूक का असर जाता है, वो सारे परिवार को झूठा भोजन खिलाती है। खिलाती है। चूली को फूकनी से फूकना चाहिए बेटा, इसके आंत की भीख मत ले। ठीक है गुरुदेव इसको पहचान लेंगे। हाँ।